हे गाइस, वेलकम टू न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। माय सेल्फ प्रदीप चौरसिया, और आज हम यहाँ पे जो है 11th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है सेट बोले तो समुच्चय, उसके बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक एक करके एक एक टॉपिक जो है कवर करेंगे। जैसे कि इसमें सबसे पहला क्या है, सेट में सबसे पहले हम परिचय की बात करेंगे, उसके बाद परिभाषा पढ़ेंगे हम, फिर निरूपण, उसके बाद यहाँ पे हम जो है आज चार टॉपिक कवर करेंगे। हमको यहाँ पे आज परिचय पढ़ना है, उसके बाद दूसरा क्या है, सेट की डेफिनेशन पढ़ना है, समुच्चय की परिभाषा को जानना है, उसके बाद फिर निरूपण, इसका जो सेट होता है उसका निरूपण कैसे करते हैं, तो ये सारी चीजें आज हमको इसमें जाननी है। और जो है सेट के प्रकार कौन कौन से हैं, और यहाँ पे इसके निरूपण की एक निरूपण की विधि है, दूसरा सेट के टाइप्स कौन कौन से हैं, तो ये सारी चीजें आज हमको पढ़नी है। तो सबसे पहला यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक है वो है परिचय, मींस इंट्रोडक्शन। जो सेट होता है उसका परिचय क्या है, तो यहाँ पे जो सेट है उसके बारे में सबसे पहले बताया था जॉर्ज कैंटर। अब बात आती जॉर्ज कैंटर कौन थे, तो ये थे एक जर्मन गणितज्ञ। तो यहाँ पे हम सेट की बात करते हैं, तो आप, हम या कोई और अक्सर जो है हम सेट वर्ड का यूज करते रहते हैं। यहाँ पे हम जो है सेट वर्ड का अक्सर यूज किया करते रहते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हमारी जॉब लग जाए तो हमारी लाइफ सेट हो जाए, या हमारा ये काम हो जाए तो हमारे ये काम सेट हो जाएगा, हमारे पास ढेर सारे पैसे आ जाएं तो ये सेट हो जाएगा, या फिर हम जाते हैं कि कपड़े की दुकान पे तो बोलते हैं मुझे पैंट और शर्ट का सेट दिखाओ, या फिर हम एक स्टेशनरी पे जाते हैं तो बोलते हैं कि मुझे कक्षा 6 की जो किताबें हैं उनका एक सेट जो है पैक करके दे दो। तो अक्सर हम अपनी लाइफ में डेली जो है क्या करते हैं, सेट शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गणित है उसमें हमें सेट पढ़ना है, उसमें जानेंगे कि सेट क्या होता है। तो चलिए इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स is called set। तो यहां पे क्या है, कह रहा है कि many different types of things, यहां पे भिन्न प्रकार की वस्तुओं के क्या, well defined collection, सुपरिभाषित समूह को हम सेट कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अगर किसी हॉस्पिटल के बाहर जो है साइकिल खड़ी हुई है तो वहां पे हम कहेंगे वो साइकिल का समूह है, या फिर किसी विद्यालय के बाहर छुट्टी हुई तो वहां पे ढेर सारे स्टूडेंट्स जो है निकलेंगे तो वहां पे हम कहेंगे ये छात्रों का समूह है, या फिर किसी हॉस्पिटल के बाहर या हॉस्पिटल के अंदर हम जो है ढेर सारे हमको डॉक्टर दिखते हैं तो वहां पे हम बोलेंगे ये जो है डॉक्टरों का समूह है। तो यहाँ पे क्या है, किसी भी वस्तु का सुपरिभाषित समूह क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। किसी भी वस्तु का सुपरिभाषित समूह क्या कहलाता है, उसको हम बोलते हैं सेट या समुच्चय बोलते हैं। अब यहां पे हम समुच्चय के निरूपण की बात करते हैं कि समुच्चय का
प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, तो इसको जो है हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से प्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैं बात करता हूं एन, तो जो एन होता है ये क्या है, यहां पे एन बराबर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, या मैं बात करता हूं डब्लू, ये हो जाएगा पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। फिर मैं बात करता हूं यहां पे अगर आई लेता हूं या फिर जेड लेता हूं, ये हो जाएगा पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है। फिर अगर मैं यहां पे आई प्लस लेता हूं, ये हो जाएगा धन पूर्णांकों का समुच्चय। मैं अगर आई यहां पे जेड प्लस भी इसको कर लेंगे, यहां पे हो जाएगा आई माइनस या जेड माइनस, ये हो जाएगा ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा कि हमेशा जो सेट होता है उसका रिप्रेजेंटेशन इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से किया जाता है, ठीक है। देते हैं तो ये हो जाएगा यहां पे समुच्चय के अवयव, ठीक है। तो एक काम करिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बताते हैं। हम समुच्चय के अवयव की बात कर रहे हैं, तो किसी भी समुच्चय में उपस्थित जो वस्तुएं होती हैं या फिर पद, यहां पे अगर हम पद शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम कोई नंबर लेते हैं या फिर प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह होता है या फिर जो पूर्णांकों का समूह होता है, तो ये सब क्या एक टर्म है ना, कोई वस्तु थोड़ी ना है। लेकिन अगर मैं इंसान, जानवर, साइकिल, हाथी, घोड़ा, टेबल, कुर्सी, पंखा, इन सब के सेट की बात करते हैं, तो इस सेट में जो क्या है, ये सारे ऑब्जेक्ट है ना, तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट का ग्रुप। और अगर मैं नंबर लेता हूं, अल्फाबेट लेता हूं, तो ये सब क्या है, ये सब एक टर्म है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे किसी समुच्चय में उपस्थित वस्तुओं तथा पदों को उस समुच्चय का अवयव कहते हैं, ठीक है। यहां पे किसी समुच्चय में उपस्थित वस्तुओं अथवा पदों को हम क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर सेट का अवयव बोलते हैं। यहां पे हम एक और लाइन लिख लेंगे कि किसी भी समुच्चय के अवयव को इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। जैसे मैं लिखता हूं अंग्रेजी वर्णमाला के
स्वरों का समूह, मैं बोलता हूं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हम जैसे मान लो लिखते हैं कि इसको हम ए से प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ठीक है। फिर हम लिखेंगे कि प्रत्येक अवयव को अलग अलग दिखाने के लिए यहाँ पे तथा प्रत्येक अवयव को अलग अलग दिखाने के लिए कामा का प्रयोग किया जाता है। इसका कॉमा का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे प्रत्येक अवयव को अलग अलग दिखाने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखता हूं एन, एन क्या होगा, एन होगा द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। देखो यहाँ पे एक 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 अवयव के जस्ट बाद क्या लग रहा है, कॉमा लग रहा है, कॉमा इसलिए लग रहा है ताकि इसको जो है हम सेपरेटली जो है प्रेजेंट कर सकें, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इनफाइनाइट तक हो जाएगा। या फिर मैं बात करता हूँ कि होल नंबर्स का सेट, तो 0 1 2 3 ये जो हो जाएगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हर एलिमेंट के बाद हमने यहाँ पे क्या यूज किया, एक कॉमा यूज किया, और ये कॉमा इसलिए यूज किया ताकि जो है इसको हम अलग अलग दिखा सकें, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, अब देखो इसके इसमें हम कुछ प्रतीक यूज करते हैं। तो देखो सबसे पहले जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है n, ये हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो जैसे मान लो हमको यहाँ पे दिखाना होगा कि कोई एलिमेंट किसी भी समुच्चय का अवयव है, कोई भी यहाँ पे कोई भी पद या कोई भी वस्तु किसी समुच्चय की क्या है, अवयव है, तो उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे किसी भी समुच्चय के अवयव को अवयव की उपस्थिति दर्शाने के लिए एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एक होता है, इसको ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे n लिखा हुआ है, n क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो इसमें जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे हर एक एलिमेंट्स को प्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे 2 एप्सिलॉन n, और जो एप्सिलॉन होता है इसका मतलब होता है, एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, या फिर यहाँ पे हम लिखेंगे इज द एलिमेंट ऑफ, ठीक है। मतलब यहां पे इसका मतलब हो जाएगा 2 belongs to n, या फिर हम लिखेंगे 2 is the element of n। यहां पे कहने का मतलब यह है कि जो 2 है वो n से संबंधित है, जो 2 है वो n से संबंधित है, या फिर हम कहेंगे जो 2 है वो n का एक अवयव है, जो 2 है वो n का एक अवयव है, ठीक है, ये समझ गया ना। अगर मान लो यहाँ पे कोई भी
अब ये उपस्थित नहीं है तो उसको हम कैसे दर्शाएंगे। आगे लिखते हैं, यदि किसी समुच्चय में कोई अवयव अनुपस्थित है तो उसको प्रतीक नॉट, यहां पे नॉट एप्सिलॉन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहां पे हम देख रहे हैं क्या, ये एन जो है वो है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लेकिन इसमें क्या है, इसमें अगर किसी अवयव अनुपस्थित है, इसमें जो है कोई अवयव अगर अनुपस्थित है तो उसको हम यहाँ पे दिखाने के लिए प्रतीक रूप में हम ऐसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे क्या, जीरो नॉट एप्सिलॉन एन, मीन्स जो जीरो है, जीरो क्या है, एन से संबंधित नहीं है, इसको हम लिखेंगे जीरो इज नॉट एलिमेंट ऑफ एन, या फिर जीरो डज नॉट बिलोंग टू एन। मतलब यहां पे कहने का मतलब यह है कि जो जीरो है वो एन का एक अवयव नहीं है, या फिर हम कहेंगे जो जीरो है वो एन से संबंधित नहीं है। समझ में आया ना, क्लियर? अगर समझ में आया तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइए कि हाँ हमारे समझ में आ रहा है, जो हमारा वे ऑफ टीचिंग है वो कैसा, आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा कि हाँ समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रेजेंटेशन, इसका रिप्रेजेंटेशन या निरूपण कैसे किया जाता है। तो चलो हम यहाँ पे समुच्चय का निरूपण रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो इसको प्रेजेंट करने के दो मेथड्स हैं। पहला है रोस्टर और टैबुलेशन मेथड, और दूसरा है इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड, इसको हम बोलेंगे रोस्टर सारणी या सूची विधि, ठीक है। इसको बोलते हैं गुण विधि, ठीक। यहां पे इसको रोस्टर सारणी या सूची विधि, और इसको बोलते हैं गुण विधि, ठीक है। तो यहां पे सारणी विधि में हम दिखाएंगे, जैसे लिख लेते हैं, पहले सारणी विधि में हम लिखेंगे इस विधि में किसी भी समुच्चय के अवयव को मझले कोष्ठक, मझला कोष्ठक कौन सा होता है, ये होता है ना, के अंदर
कॉमा लगाकर लिखा जाता है। जैसे हम यहां पे कह रहे हैं कि सभी सम धनात्मक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। जैसे हमसे कहा जाए कि सभी सम धनात्मक संख्याओं का समुच्चय बताओ, तो यहां पे हम लिखेंगे ए। अब देखो यहां पे हमको क्या लगाना है, मजला ब्रैकेट स्टार्ट होगा और सभी सम धनात्मक संख्याओं का समुच्चय लिखना है, तो यहां पे हो जाएगा 2, 4, 6, 8, ये हो जाएगा, ठीक। आगे बोला जाए कोई दूसरा कि यहां पे दिखाओ, इधर इसको इरेज कर देते हैं, हमसे बोला जाए कि सभी विषम संख्याओं के वर्गों का समुच्चय, तो हम यहां पे क्या दिखाएंगे, मान लो हम इसको b से प्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, सभी विषम संख्याओं के वर्गों का समुच्चय। तो सबसे पहले विषम संख्याएं क्या होती हैं, 1, 3, 5, 7, उसके बाद 9, ऐसे इनफिनाइट तक, मतलब कि वो सारी संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो या फिर जिसके फैक्टर में 2 ना आए, उसे हम बोलते हैं क्या, विषम संख्याएं। तो इसके वर्गों का समुच्चय दिखाना है, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इनफिनाइट। यहाँ पे मजला ब्रैकेट लगाना है या फिर हम लिखेंगे बी बराबर 1, 9, 25, 49 और फिर ऐसे आएगा क्या 81, ऐसे जो है इनका जो है क्रम चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये था सभी विषम संख्याओं के वर्गों का समुच्चय, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे ये जो गुण विधि या निर्माण विधि है, इसको एक नाम और देते हैं, इसको निर्माण विधि भी बोलते हैं, ठीक है, गुण विधि या निर्माण विधि। तो इसमें हम चलिए आपको बताते हैं, तो आपको रोस्टर या सारणी विधि समझ में आई ना, अगर समझ में आई हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, कमेंट करने में एटलीस्ट कंजूसी तो ना करिए ना, ठीक। चलिए तो यहां पे हम गुण विधि या निर्माण विधि की बात कर रहे हैं, गुण या निर्माण विधि, ठीक। तो इस विधि में क्या होता है, उसके प्रत्येक अवयव को किसी गुण विशेष को द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहां पे इस विधि में समुच्चय के अवयवों को किसी गुण विशेष के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि दस से छोटी
संख्याओं का समुच्चय। यहां पे मैं बोलता हूं 10 से छोटी सम संख्याओं का समुच्चय, तो इसको हम प्रदर्शित करने के लिए क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे a और यहां पे हम क्या लिखेंगे x और क्या लिखेंगे x, फिर एक हम यहां पे कॉलन लगाएंगे और फिर लिखेंगे x क्या है दस से छोटी सम संख्या है, क्या है x जो है 10 से छोटी सम संख्या, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x और यहां पे सेमी कॉलन, यहां पे कॉलन लगाएंगे और हो जाएगा x, यहां पे 10 से छोटी सम संख्या दिखाना है ना, तो ये हो जाएगा 2n और जो n की वैल्यू होगी वो 5 से छोटी होगी। ठीक है, अब आगे हम दूसरी एक संख्या लिखते हैं, जैसे हम दिखाते हैं a और यहां पर लिखते हैं x such that x is a natural number, क्या है x, क्या है यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है, तो x है, x is natural number मतलब कि जो x है वो क्या है प्राकृतिक संख्या है, और a जो है ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह है, तो ये तो हमारा मेथड था कौन सा, ये था गुण विधि अथवा निर्माण विधि। तो यहाँ पे हम पहले एक बात कर लेते हैं कि रोस्टर मेथड का यूज कब किया था और गुण या निर्माण विधि का यूज कब किया जाता है, तो जब हमारे पास अवयव जो होते हैं बहुत कम मात्रा में होते हैं तो वहां पे ये जो है सारणी अथवा सूची विधि का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे पास अनलिमिटेड अवयव होते हैं तो हम वहां पे गुण विधि का प्रयोग करते हैं या निर्माण विधि का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जो वीडियो हम आपके लिए यहाँ पे बनाएं वो उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे। तब तक के लिए हम अपने वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।